गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 9 बज गया है, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। मम्मी जो है वो ना उनके साथ गई है नदी पे, वहाँ पे पूजा किया जाता है गंगा जी को और मंदिर में दो चार, और भाभी जो है वो नहा ली है। मैं और दीदी भी बाकी हूँ, दीदी भी गई है नहाने के लिए, मैं भी जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं रेडी करूँगी, क्योंकि जो पूजा स्टार्ट होगा शायद वो 11 या 12 बजे से पूजा स्टार्ट होगा पंडित जी जब आ जाए। और जो हम लोग का फैमिली है वो लोग भी सब लोग आएंगे पूजा, मैं सबको दिखाऊंगी और क्या क्या होता है वो सब भी दिखाऊंगी। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एंड प्रीवियस जितने भी ब्लॉग मैंने अपलोड किया था भैया का शादी के रिलेटेड, अगर अब तक आप लोगों ने एक भी ब्लॉग मतलब मिस कर दिया तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर जाकर देखिएगा। क्योंकि मैं पर डे का ब्लॉग शूट कर करके अपलोड की हूँ और जितना हो सके वो सब मैं आपको दिखाई हूँ। बहुत धमाल हुआ है, बहुत बारिश का मतलब बहुत कुछ हो गया है ये शादी में। एक तो लॉकडाउन प्लस इतना कोरोना भी बढ़ गया है और इतना बारिश भी, मतलब कुछ हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सब कुछ का मैंने डाला है, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड तो अभी जा रहे, जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेते हैं, क्योंकि मम्मी बोली जब तक वो आएंगे तब तक तुम लोग सब रेडी हो जाना, ताकि पूजा भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो फिर मिलते हैं रेडी होने के बाद। सास बहू इज रेडी और दोनों बेटियां हैं बेगारी। दीदी बाकी हूँ, बाकी सास बहू रेडी हो गई है। अब ये लोग जा रही है ऊपर पूजा में और हम लोग पीछे से आएंगे रेडी होकर। जल्दी आना, जाओ उस दुनिया में। बाद में आप लोग को मैं भाभी का पूरा लुक दिखाऊंगी, अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो पूजा स्टार्ट होने से पहले मम्मी इनको सिंदूर लगा रही हैं, ये भी मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं। सो हम दोनों भी रेडी हो गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, पूजा हो रहा है तो चलो चले। सो यहाँ पर पूजा स्टार्ट होने से पहले माड़ों को हिलाया जाता है, तो सबसे पहले चंदन लग रहा है सबको। तो ये मेरे मामा जी हैं, फिर पापा जी, जीजा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड और बाबा जो पंडित जी हैं, ये पांच लोग मिलकर माड़ों को हिलाएंगे। और जो माड़ों में बांस लगता है ना, उसको साल भर बहुत अच्छे से रखा जाता है, और कहा भी गया है जितना भी कुछ शादी में यूज़ होता है उसको साल भर अच्छे से रखने से बहुत ही शुभ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग हिलाकर इसको अब अच्छे से रख देंगे, देन अब पूजा स्टार्ट होगा। तो और साथ में ही उधर दूसरी तरफ इन लोग का बेड भी डेकोरेशन हो रहा है, क्योंकि आज इन लोग का फर्स्ट नाइट है। भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सो अभी हवन होना बाकी है और साथ में अभी आरती बाकी है, तो मैं यहाँ पर सबके साथ एक छोटा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। और आप पीछे देख सकते हैं कि बेड ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गया है एंड यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज दिन में भी सबका खाना घर पर ही रहता है। तो अब हवन स्टार्ट हो गया। Yes.
का बोले पूजा संपन्न हुआ। अब प्रसाद वहाँ पे मिलेगा। तो पूजा अच्छे से संपन्न हो गया एंड अब जो मेरी भाभी हैं वो सबका पाँव पूजेंगी। मम्मी सबका कपड़ा रखी है रेडी करके, जितनी भी दादी चाची जितने भी लोग हैं सबका, तो सबको देंगी और प्रणाम करेंगी। देन ऊपर में खाना भी सबका बन गया है। ऊपर में आज पूजा हो जाने के बाद हम लोग के यहाँ मछली खाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो सब कोई का ऊपर भी खाना बना है, तो सब अब यहाँ से ऊपर जाएंगे खाना खाने। लेकिन उससे पहले सब कोई का पाँव पूजा आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा क्लिप सबका ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देखो। पोस्ट बन गया पटेल बहन। और भाभी और जोर से खाली पीली पेट भाभी पूरा परेशान कर देगी। तो मैं यहाँ पर गठबंधन खोल रही हूँ और इसमें से जो भी शगुन मिलेगा वो मेरा हो जाएगा। अब लड़ाई हो रहा है कि किसके तरफ भाभी रहेगी। वो बोल रही है मेरे तरफ रहेगी, वो बोल रही है मेरे तरफ रही है। भाभी के चलते लग रहा है दीदी को ही सब ताना टूनी कर रहेगी, वो किसके तरफ रहेगी। क्या ये कसार? सो अब कसार फोड़ा जाएगा। तो उससे पहले दादी जी लोग बोली कि क्या क्या आया है सास का वो दिखा दो। तो ये बैग सबसे पहले आया है, इसमें उन मम्मी का सारा मतलब सास का सारा कपड़ा है, मेकअप का सामान है, सब कुछ है। तो वो सब खोल खोल कर दिखा रहे हैं। एंड इसमें एक रिंग भी है जो कि कसार फोड़ मतलब जब फोड़ेंगी तो उस टाइम इनको पहनना पड़ेगा। तो वो सब है। देन उसके बाद बक्सा भी है जिसमें भी बहुत सारा सामान है, वो सब सबको मतलब देखते हैं और बच्चे लोग को जिसको जो लेना होता है वो लेते हैं। तो वो सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है सबको ही को। और अब कसार फोड़ेंगी। तो पहले जो उधर से साड़ी आया है वो ओढ़ के पांच लोग मिलकर कसार फोड़ते हैं और आंचल में लेते हैं, खाते हैं। तो ये भी एक रस्म होता है। तो ये भी हो गया अच्छे से। देन यहाँ पर पापा आए हुए हैं, ये भी पापा भी कुछ कुछ सामान लेकर रखे थे अपना बेटा और बहू के लिए। तो पापा दोनों जन को देते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और यहाँ पर सब लोग कसार ले रहे हैं, फिर खाएंगे और उसके बाद ऊपर जा रहे हैं सब लोग मछली खाने के लिए। तो हम लोग भी जाएंगे, सब लोग खा कर पहले आ जाए उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर जो सास का बक्सा में से तेल सिंदूर और बिंदी सब कोई को लगाया जाता है, तो लगाया जा रहे हैं। और यहाँ पर दी हैं जो गिफ्ट दे रही हैं। सो जो कैमरामैन वाले भैया हैं वो बोले अब हम लोग भी जाएंगे, तो बहुत लेट हो गया क्योंकि वो लोग सुबह से आए हैं और शाम होने को आई है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तो जाने से पहले इन लोग का फ़ोटो शूट कर दीजिए। तो यहाँ पे भैया भाभी का बहुत सारा फ़ोटो शूट होता है, बट मैं थोड़ा सा ही इसमें आप लोग को दिखाई हूँ। और उतने में मम्मी आ जाती हैं, मम्मी का गिफ्ट बाकी रहता है तो आती है, ये लोग प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सो अब हम लोग आए हैं ऊपर खाने के लिए। तो यहाँ पुचू खा रही है, मम्मी खा रही है, मामी जी, दीदी, भैया, भाभी, सब लोग खा रहे हैं और आप मेरे हस्बैंड भी हैं। और साइड से आप देख सकते हैं टेंट हट गया है क्योंकि आज लास्ट डे था, तो इसीलिए उन्होंने हटा दिया। तो अब खा के नीचे जाएंगे। सो सब कुछ अच्छे से हो गया, पूजा भी अच्छे से हो गया, शादी भी अच्छे से हो गया। एंड लास्ट में आप लोगों ने देखा कि हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम लोग फिश खाते हैं, मछली खाते हैं। तो हम लोगों ने वो भी खा लिया, वो भी नियम कम्प्लीट काट दो, वो भी नियम कंप्लीट हो गया। एंड वो कुंज वहां पे मोबाइल देख रहा है, बार बार किसी का फोन आ रहा है, तो फिर मैं बोली काट दो तो सबको एक हंसी आ रहा है। सो मैं सोची अभी सब शाम हो गया, सब कुछ खत्म होते होते, तो अभी सब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। काट दो
सो अब थोड़ा सा आराम करेंगे सब कुछ हो जाने के बाद। तो मैं सोची क्यों ना उससे पहले ब्लॉग को एंड कर देते, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ ब्लॉग को एंड करना। तो अभी हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे तो जाना क्या था, अरे ब्लॉग को एंड कर लेते, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा सारा ब्लॉग्स देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं शादी का मैंने सारा रस्म का, विधि का एंड सारा रिचुअल, जो भी एक एक रिचुअल्स होता है ना, लाइक हल्दी से स्टार्ट होता है, मेहंदी, संगीत, मटकोरवा, श्रीबेलवा, सब कुछ होता है। पर डे का ब्लॉग मैं शूट की थी, लाइक 3 तारीख से हम लोग का सारा फंक्शन स्टार्ट हुआ था। तो आज तक का मैंने ब्लॉग शेयर किया है आप लोगों से, और मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आप लोग जरूर जाके देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और प्लीज अगर भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब जो रिचुअल्स बचा है, बस एक बचा है, वो होता है रसोई का रस्म। वो इसके बाद जाएगा, वो शायद आज शाम को होगा या फिर कल होगा, वो पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो वो मैं उसके बाद अपलोड करूंगी, रसोई रस्म जो होता है कि पहली रसोई कैसे क्या बनाया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो इसके बाद मैं अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, आप लोग के ब्लेसिंग की वजह से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है एंड इतने सारे विश करने के लिए सबको दिल से थैंक यू सो मच। तो ये रही प्यारी भाभी, मैं जूम करके दिखा देती हूँ एंड दीदी। सो फिर मिलेंगे रसोई, काट दो। सो फिर मिलते हैं रसोई का रस्म वाला ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।